कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में कई लोगों ने यह समझा था कि यह बीमारी कुछ हफ्ते में ठीक हो जाती है, लेकिन कोरोना वायरस से जुड़े नए डेटा में सामने आया है कि हजारों मरीज कई महीने तक कोरोना के लक्षण से जूझते हैं। वहीं इसके असर के तौर पर मरीजों को मानसिक तकलीफों का सामना भी करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस से मध्यम या गंभीर बीमार लोग जिनमें कोरोना के लक्षण कई महीने तक रहते हैं उन्हें लॉन्ग हॉलर्स कहा जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक काफी संख्या में कोरोना वायरस लॉन्ग हॉलर्स ने बताया कि कोरोना से उनके मानसिक स्वास्थ्य को चोट पहुंचा है। एक छोटे आकार के सर्वे में पता चला कि दर्जनों लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन के मनोचिकित्सक टी पोस्टोलाचे का अनुमान है कि आधे या एक तिहाई कोरोना मरीज किसी न किसी तरह के मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं। असामान्य नींद, डिप्रेशन, थकान और एंजाइटी इनमें प्रमुख लक्षण है। वही ब्रिटेन में अब तक कुल 350,000 कोरोना मरीज सामने आए हैं, लेकिन एक आकलन के मुताबिक करीब 60,000 लोग 3 महीने से अधिक वक्त तक कोरोना के लक्षण से जूझ रहे थे। लंबे वक्त तक कोरोना से पीड़ित रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य सुविधा लेने में भी मुश्किल आ रही है, जिसकी वजह से उनकी मानसिक स्थिति और बिगड़ रही है। इसकी वजह से लोगों की नौकरी, सोशल लाइफ और सामान्य दिनचर्या पर भी असर पड़ रहा है। कोरोना वायरस की शिकार होने वाली एक नर्स ने बताया कि कोई भी उनके पास नहीं आना चाहता, इसकी वजह से वह खुद को डिप्रेशन में महसूस करती है। आपको ये खबर कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।